नमस्कार, एसपीएन नाइन न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक नया परचम लहराकर एक बड़ा इतिहास लिख दिया है। समाजवादी पार्टी के राजनीतिक इतिहास में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में यहां अखिलेश यादव ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। 37 लोकसभा सीटें जीत दर्ज करने के बाद अखिलेश यादव इस प्रदर्शन से काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जमीनी मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी दूर भागती रही और ऐसे में अब उन्हें हार का यहाँ पर सामना करना पड़ा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी आगे आने वाले वक्त में भी बेहतर प्रदर्शन करती रहेगी और जमीनी स्तर पर जुड़े हुए मुद्दों की आवाज़ उठाती रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि अपर्णा यादव, जो कि समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं है, उनके अब समाजवादी पार्टी में शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं। खबरें तो यहाँ तक सामने आ रही हैं कि करहल या फिर फैजाबाद से अपर्णा यादव को विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़वाया जा सकता है। शिवपाल यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अपर्णा यादव, जो राजनीतिक आधार पर पिछड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, उन अपर्णा यादव को यहाँ एक साथ ला करके और उनके राजनीतिक भविष्य पर विचार किया जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव की पटकथा जिस तरीके से लिखी गई है, इस पूरी पटकथा में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर के चिंतित दिखाई दे रही है। ऐसे में यदि ये आंकड़े सही साबित होते हैं और अपर्णा यादव यहाँ पर समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाती हैं, तो ये बड़ा फैसला यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से हो सकता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव एक बड़ा चुनाव है और इस चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है, वो आगामी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए यहाँ पर चुनौतियाँ पेश करने वाला एक आंकड़ा उभर कर सामने आया है। अपर्णा यादव नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। लोकसभा चुनाव में उन्होंने 2 सीटों से यहाँ चुनाव लड़ने की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव एक तरफ जहां मैनपुरी से डिंपल यादव को उतारते नजर आए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को कोई भी सीट ना देकर के यहां पर राजनीति से मोहताज रखा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी के जो 5 सदस्य चुनाव जीतकर लोकसभा में गए हैं, वो ऐसे में यहां पर अपर्णा यादव का क्या फैसला रहेगा और अपर्णा यादव क्या अब भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को बोना साबित होते हुए देख रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।